नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जय आर अनम है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट सिस्ट इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट सिस्ट दोनों ही एक स्वेलिंग, एक गठान के रूप में प्रेजेंट करते हैं, तो हमें कोई टाइम पेन भी होता है इसकी वजह से। बट एक ब्रेस्ट सिस्ट जो है इसे हम बिनाइन ब्रेस्ट स्वेलिंग कहते हैं। बिनाइन ब्रेस्ट स्वेलिंग मतलब जो कि कैंसर नहीं है, वर्सेस ब्रेस्ट कैंसर जैसे के नाम में ही है वो कैंसर है। तो ब्रेस्ट सिस्ट जो है एक फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। तो ये अगर मैं 20 से लेके 40 तक के एज की महिलाओं का जो सोनोग्राफी करूँ, सपोज 100 लेडीज का सोनोग्राफी करते हैं तो 100 में से 90% लेडीज में ऐसे छोटे मोटे सिस्ट रहेंगे। ये सिस्ट जो है हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं। बहुत टाइम सिस्ट छोटे होते हैं और अपने आप रिजॉल्व भी हो जाते हैं, इसके लिए पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं करते। कोई कोई टाइम ये सिस्ट जो है बड़े हो जाते हैं, पेशेंट को दर्द देते हैं और इसके लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो ये सिस्ट का अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि सिस्ट है कि कैंसर है, नंबर वन क्राइटेरिया रहता है कि प्रेजेंटिंग एज क्या है। तो जो सिस्ट है वो यूजुअली यंगर लेडीज़ में, जैसे कि मैंने कहा आपको 22 से 40, 45 या 50 ईयर्स तक प्रेजेंट होता है, जबकि ब्रेस्ट कैंसर जो है आमतौर पे 50 प्लस लेडीज़ में देखा गया है इंडिया में। हाँ, आजकल हम बहुत सारे यंगर लेडीज़ में भी ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं। नंबर टू रहता है, जो एक सोनोमैमोग्राफी करे तो उससे पता चल जाता है कि वो सिस्ट में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है कि वो एक सॉलिड स्वेलिंग है। सॉलिड स्वेलिंग मतलब कि जिसमें मास है। तो बहुत बार सोनोग्राफी पे ही पता चल जाता है कि सिस्ट है कि नहीं है। फिर नंबर थ्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहते हैं, जिसमें कि हम जब पैल्पेट करते हैं तो जो कैंसर की गांठ है वो बहुत ही हार्ड रहती है, जबकि सिस्ट एक फुग्गे की तरह रहता है जो ऊपर नीचे होता है। तो ये किसी डॉक्टर को ही पता चलेगा। तो बेटर है कि अगर आपको कोई लंप है ब्रेस्ट में, गांठ है, तो आप प्लीज़ नियर बाय डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को मिलिए ताकि आगे का इलाज हो सके। सिस्ट का इलाज बिल्कुल अलग है, ये बिनाइन है, ये अच्छे से ठीक हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जबकि कैंसर इसका इलाज अलग होता है और ये भी ठीक हो सकता है। बेटर है आप किसी डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको सिस्ट के बारे में कुछ और जानना हो या कैंसर के बारे में कुछ जानना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मी और माय टीम विल गेट बैक टू यू। वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।